director is going to take. He came. प्रोडक्शन का नाम पता था. हाँ, आई न्यू दिस इज न्यू प्रोडक्शन हाउस, बट एंड आई मेट सोहेल जी, सो आई डिडंट नो ही इज को प्रोड्यूसिंग इट. सो आई डिडंट नो, ऑब्वियसली दे आर पार्टनर्स. या या या, आई डिडंट नो दिस. सो देन उन्होंने बोला कि रेडी कम इनसाइड, एंड आई वेंट एंड आई हैड दिस थिंग. आई न्यू हिम बिकॉज आई वॉच्ड हिज प्रीवियस शो मुल्की. या या, मुल्की. सो अ लिटिल वेरी मच नर्वस, बट देन फॉर अ मोमेंट आई वाज लाइक do or die situation, I have to give my 100% or else I won't get this part. So unhone bhi kafi mujhe brief diya, and you know the audition went really well. Uske baad I asked him one question, sir aap koi show nahi kar rahe ho? So he was like, listen, I am acting also and I am producing also. So that was like wow moment. But reactions, family ke huh? Family ke reaction, friends ke on promo? Yeah. She, my family is very happy, and also friends. They are very this ki kab aa raha hai show, kab aa raha hai, movie, want to watch it. And my mom is to very excited because I'm working with him, so of course. The party party nahi maang rahi. She's like ki haan Mihir, I know, I'm Mihir. Ach, what about you? So see, मतलब जो मैंने पहले शोज किए हैं वो भी ऑफ कोर्स रोमांटिक थे, बट उसमें हमेशा ना कुछ सोशल एंगल होता था. लाइक मेरे पहले शो में ऐसा था कि लड़की काली है, गरीब है, लड़का अमीर है, गोरा है. सेकंड शो में ऐसा था कि लड़की जो है वो ऑर्फन है, उसको काम वाली बना रखा है, ये बाहर से पढ़ के आया है. सो मैं ये कहूँगा कि इट्स अ लिटिल बिट मोर रिलैक्सिंग टू डू अ लव स्टोरी वेयर इतनी सारी चीज़ें नहीं, मतलब नॉर्मल, कोई ज़्यादा सोसाइटल प्रेशर नहीं है. बट लव स्टोरीज तो यू नो पहले से कर रहा हूँ, सो आई गेस वो फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये मुझे आता है, ये मैं करता हूँ और इसी पे मैं यू नो एक्सपर्ट बनना चाहूँगा. बट अदरवाइज ऑल्सो मेरे जो पहले शोज थे उसमें मैं कॉलेज वगैरह या ज़्यादा यंग परसेप्शन नहीं रहा है, मतलब ऑलवेज फर्स्ट शो था उसमें डॉक्टर था, ऑलरेडी काम कर रहा था. सेकेंड शो में भी ऑलरेडी काम कर रहा था, सूट वूट पहन के रहता था. तो अब मुझे भी थोड़ा यंग फील होता है दैट यू नो मैं जैकेट आई एम वेयरिंग नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज और समथिंग. सो आई गेस द फैंस या फैमिली या फ्रेंड्स दे देर लाइक कि तुम उल्टा जा रहे हो, तुम पहले सूट वूट पहनता था, अब यू आर गेटिंग यंगर गोइंग बैक टू कॉलेज. सो आई थिंक दैट्स उनके लिए थोड़ा सा फ्रेश है, एंड आई ऑल्सो लाइक इट क्योंकि अब सेम सेम करते हैं तो आप बोर हो जाते हैं. प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि मम्मी ने कहा कि हम देखना चाहते हैं क्या कुछ होने वाला, क्या ऐसा तो नहीं होगा एपिसोड आने से पहले ही आप सब बता दोगे ऐसा होगा या फिर वेट करोगी? बता दिया हो अब तक? नहीं नहीं बताया मैंने, शेयर नहीं किया. यू वेट, यू वॉच इट ऑन द शो. विल अपील टू इवन the boys and girls who are going into college, yeah, who are yeah. in the college, to college pass out ho gaye. I'll say from age group of say 13, 14 से लेकर 50, 60, 65 के जो audience हमारी है उन सबको ये अपील करेगा, क्योंकि जो मेरी फैमिली है उनमें एल्डर्स हैं, उनके भी हम तीनों के रोल ऐसा नहीं है, उनके भी हमारे साथ ही पैरेलल में साथ में चलते हैं. उन एक एक पे जब मुसीबत आती है तो उसके साथ सारे इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं कि हम तीनों ही दिखेंगे. right. सारी फैमिलीज भी हैं जो एक एक पॉइंट पे एल्डर्स की कहानी भी बनती है, फिर हमारी भी होती है. कभी हमारी आगे चलती है तो हम वो पीछे होते हैं, कभी वो आगे होता है हम पीछे. तो ये साथ में मिलके इट्स एवरी एज ग्रुप को हमने केटर किया इसमें. तो टीवी ऑडियंस इज ह्यूज, बहुत बढ़ रही है शहरों में हमारे बड़े बड़े बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में वो एक अलग यूथ है जो एक चीज देखता है. और जैसे ग्वालियर, अहमदाबाद, सूरत, ये जो टू टायर सिटीज है वहां पे एक अलग ग्रुप है जो ये शोज देखता है. तो हमने वो दिमाग में रख के ऐसा एक कंटेंट बनाया कि इट माइट अपील टू, वी जस्ट ट्राइंग दिस टू एवरीबॉडी. सो लेट्स होप वी सक्सेसफुल इन दैट कि हर एज ग्रुप को कैटर करेंगे. मेरा सवाल एक्चुअली अमर जी आपसे है. जी, आपके सफर की शुरुआत क्यूकी से हुई थी और अब आप फिर क्यूकी पर पहुंच गए हो, कैसा था ये सफर? मेरी सफर की शुरुआत हुई देख भाई देख से, एक्चुअली 1993 से. और देख भाई देख के बाद फिर क्योंकि एक लैंडमार्क शो था मेरी लाइफ में और टीवी की लाइफ में भी, आई थिंक टीवी इंडस्ट्री में भी. एंड आई थिंक क्योंकि इससे क्योंकि जोड़ोगे आप मुझे, आई डोंट नो, दिस हैपेंड, इट्स अ कोइंसिडेंस. एंड ऑल क्रेडिट गोज टू चैनल. एज ए प्रोड्यूसर जब हम नाम डिसाइड कर रहे थे तो
10-15 नाम मेरे पास थे जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, तो उसमें मैंने 5 फाइनल नाम उनको दिए थे कि इसमें से कुछ एक हो सकता है। उसमें थर्ड नंबर पे क्योंकि तुम्हें वो भी था, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस हमारे जो बिजनेस हेड हैं सुभाष सोमानी जी, उन्होंने क्योंकि तुम ही हो सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने पूछा ये क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि ये मत करो मैं तो सब बोलेंगे क्योंकि था तो क्योंकि लगा दिया पहले प्रोडक्शन में अपने खुद के। तो नहीं बोला ये नाम बहुत सटीक है, मैं ऑफकोर्स सूट तो करता है क्योंकि ये टाइटल और स्टोरी के साथ बहुत मैच करता है, बाकी भी नाम मैच कर रहे थे, बट फॉर ऑब्वियस रीजंस ही सिलेक्टेड दिस, सो दैट्स व्हाई ही इज अ बिजनेस हेड सुभाष सोमानी जी। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट क्योंकि हैपेंड एंड बट आई एम नॉट द रीजन फॉर दैट। ओके, एक आखिरी सवाल, जैसे कि जैसे कि पहले फ्यू चैनल्स थे और अभी कई सारे चैनल शिमारो है, कोई दे आर डूइंग वेल आल्सो एंड दे प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, तो क्या कहना चाहोगे उसको लेकर, सच अ गुड टू प्रोड्यूसर्स, यू मीन सर प्रोड्यूसर एक्टर्स दे आर गेटिंग और इनकी रीच काफी दूर दूर तक है, आप क्या कहना चाहोगे? डेफिनेटली शिमारो ग्रुप इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट। शिमारो टीवी आज हमने जब उनसे मिलना जुलना शुरू किया था तब तो उनकी जीआरपी बहुत कम थी, अब तो वो 70 तक पहुंच गए हैं विच इज फैंटास्टिक। शिमारो उमंग ऑल्सो इज क्लाइंबिंग, जहाँ हमारा शो आ रहा है इज क्लाइंबिंग इन लाइक वे टू फास्ट एंड वेरी गुड शो द कमिंग अप ऑन दैट चैनल। रश्मि जी का शो आ रहा है जो बहुत अच्छा कर रहा है मार्केट में, हमारा शो भी अलग है, तो अलग अलग वैरायटी के शो उस पर आ रहे हैं। एक राजमहल भी उनका आ रहा है जो राजमहल एक फैंटेसी के ऊपर है जो बहुत ही ब्यूटीफुली बना है, तो आई थिंक बहुत अच्छा एक होलसम पैकेज फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल बन के आ रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम ऑन दिस चैनल, और आई एम वेरी थैंकफुल टू संदीप गुप्ता जी जो सीईओ हैं, सुभाष सोमानी जी जिन्होंने मुझे मौका दिया है और टू प्रूव माई सेल्फ, एंड एज ए एक्टर तो बहुत काम किया है 30 सालों में, बट आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम एज ए प्रोड्यूसर आई एम एंटरिंग इन द इंडस्ट्री एंड I'm really excited. This is my new journey and for me in life, you know. So I'm thankful to them कि मुझे मौका दिया है. और always, you know, हम जब actor उनके पास लेके जाते हैं share करने के लिए, हम कोई इनको लेना है, तो always they do agree के नया talent कोई मिले तो उनको मौका दिया जाए. तो that's why, you know, Harsh also has done a lot of shows, of course, and she is absolutely doing the first Delhi soap, I think, as a lead. So thanks to them because they gave the opportunity to them. So yeah, you're right. और लोगों के लिए भी ना पैन इंडिया फ्री है, सो फ्री टू माय चैनल, सो डेफिनेटली थैंक यू थैंक यू।